खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ले चलते हैं आपको आज की ताजा खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से। रसोइये मानदेय वृद्धि को लेकर हड़ताल पर। मानदेय वृद्धि को लेकर रसोइयों ने कृषि उपज मंडी में भाजपा जिला महामंत्री व नगर पंचायत अध्यक्ष पंकज तेकाम का स्वागत करते हुए डिंडोरी एसडीएम महेश मंडलोई जी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराते हुए बताया। रसोइयों को शासन द्वारा दिए जा रहे 2,000 रुपए प्रति माह कलेक्टर रेट व मनरेगा में कार्यरत मजदूर को भी कलेक्टर दर रुपए प्रतिदिन से कम मजदूरी नहीं दी जाती। 8-8 घंटे काम लिया जाता है तथा किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर बुलाकर कार्य कराया जाता है और शालाओं में बगैर किचन सेट काम करना पड़ता है। आंधी तूफान ठंडी गर्मी में धुएं की मार झेलते हुए रसोइयों ने मुख्यमंत्री से मांग की मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह दिया जाए। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए डिंडोरी से गिरीश सोनी की रिपोर्ट। अच्छा, इसका ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है साहब, जो हम स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाते हैं, हमारा पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है 4 महीने से, और 2,000 रुपये महीने में हम काम कर रहे हैं। क्या 2,000 रुपये में हमारे बाल बच्चों का भरपाई होगा कि उनके बाल बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, दुख बीमारी का व्यवस्था करेंगे, इसके बाद भी हमको 4 महीने से पेमेंट नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश मेरा यही निवेदन है कि हमारा जो पेमेंट बढ़ाया जाए और कभी भी निकाल दिया जाता है, कभी भी भर्ती कर दिया जाता है, ये प्रक्रिया को खत्म करके अस्थायी रूप में उसको रख करके और हमसे काम लिया जाए और हमारा पेमेंट यहाँ जमा किया जाए ताकि हम हमारे बाल बच्चों को कर सकें। हमारा यही